नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में तीन पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी की गई थी, उस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद फिर से तीन और पदों पर, जी हाँ, तीन तरह के तीन नए विज्ञापन छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में और निकाले गए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में काम करने की इच्छुक है, फोर्स विभाग में काम करने की इच्छुक है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलते हैं इन तीनों विज्ञापन का एक एक करके विस्तृत जानकारी पूरा लेते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिखेगा, यहाँ पर या यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहला जो विज्ञापन निकाला है ये पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा निकाला गया है और इसमें टोटल पदों की संख्या 75 है, जिसमें दो तरह के पद है। पहला जो पद है रिक्त पद, इसमें आप आवेदन सेम समय रखा गया है जो आरक्षक भर्ती सिटी पुलिस के 6000 पदों पर निकाला गया है। 20 तारीख से आवेदन करेंगे तो इसके लिए भी आपको 20 तारीख से ही आवेदन कर पाएंगे और सीजी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट में ही आवेदन कर पाएंगे। पहले तरह का पद का नाम है सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, जिसके लगभग 13 पोस्ट है, वेतन मेट्रिक लेवल 6 रखा गया है। अगला जो पोस्ट है वो है प्रधान आरक्षक नर्सिंग, सीधे आप प्रधान आरक्षक के पद पर भर्ती हो सकते हैं नर्सिंग के, जिसमें 62-62 पोस्ट है, जिसमें वेतन लेवल 5 रखा गया है। तो दो तरह के पद हैं, टोटल 75 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भर्ती का केंद्र क्या रहेगा वो भी बता दिया गया। माना रायपुर में इसका भर्ती प्रक्रियाएं होगी। वेतनमान तो आप तो पहले ही पता चल गया, आरक्षण के बारे में भी इसमें थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया गया है। इस पर एक अलग से वीडियो हम जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये तकनीकी पद है, तब हम एक वीडियो बना देंगे दूसरा, जब क्योंकि फुल्ली जो नोटिफिकेशन है अपडेट वो नहीं आया है, एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। और दूसरे तरह का जो पद है वो कितने पोस्ट के लिए वो भी यहाँ पर देखते हैं। दूसरे तरह का जो पद है वो आरक्षक के पद है, ठीक है, ये दूसरा विज्ञापन है। हर विज्ञापन के अलग अलग है, तीन तरह के विज्ञापन के बारे में आज आपको इसमें जानकारी हम देंगे। आरक्षक के हैं और इसमें ट्रेड है, एक प्रकार का बैंड आरक्षक बैंड है, और इसमें योग 3 पोस्ट है, इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रखा गया है, सेम रखा गया है। इसमें अब ट्रेड में तो केवल 3 पोस्ट है, तो इसमें क्या आरक्षण क्या नहीं हो सकती आप समझ सकते हैं। वेतन मान सेम रखा गया, आयु सीमा वही है कि कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष ये होने चाहिए, जो सारे नियम होते हैं वो इसमें रहेंगे। और जब नोटिफिकेशन फुल्ली जारी कर दिए जाएंगे, ओवरऑल जो एडवर्टाइजमेंट जारी होता है ऑफिशियल वेबसाइट में, वो तो आपको इसमें तो योग्यता आरक्षक में योग्यता वही रहेगा जो 10वीं पास 8वीं पास 5वीं पास रहता है, और बाकी में जो चेंज हो सकते हैं वो आपको जब 20 तारीख को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तभी आपको पता चल पाएगा, या हमें जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तीसरा जो विज्ञापन है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीसरा जो विज्ञापन है आरक्षक की है और ये स्वान दल पोस्ट का नाम है। क्या है? स्वान दल पोस्ट का नाम है और सेम 20-10-2023 से आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 5 पोस्ट है, पहले 75 पोस्ट के लिए, फिर 3 पोस्ट के लिए, फिर 5 पोस्ट के लिए, तीन तरह के अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। तीनों में आरक्षण का जो नियम है सेम रखा गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल भी वही रखा गया, और इसका भिलाई, इसका भर्ती जो होगा वो दुर्ग भिलाई में होगा। उसका माना रायपुर में हमने बताया 75 पोस्ट का, लेकिन इसका दुर्ग भिलाई में होगा। आयु सीमा सेम रखा गया है, 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष पूरा होना चाहिए और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस यही सी तीन वैकेंसी के बारे में आज आपको जानकारी देना था, जानकारी हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसमें क्वालिफाई करें।